हेलो दोस्तों, मैं हूं आपको क्रिश और स्वागत करना चाहूँगा अपने यूट्यूब चैनल क्रिश ब्लॉग्स पर। तो गाइस, ये मेरी न्यू ब्लॉगिंग वीडियो। तो हम आए आज माता लालदेव मंदिर, जिसे कि मॉडल टाउन मंदिर भी कहते हैं। ये इसीलिए मॉडल टाउन मंदिर इसको कहते हैं क्योंकि ये वैष्णो माता मंदिर के जैसा ही पूरा बना हुआ है। वैसे ही चढ़ाई चढ़ाई वैसी है, पूरी गुफा वैसी है, तो वैसे ही सब कुछ यहाँ पर बनाया गया। तो ये माता लालदेव मंदिर इसलिए क्योंकि पहले ये माता लालदेव जी का ही मंदिर था। चलो आज आपको दिखाते हैं, वहाँ हम आए हैं तो आगे आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या है। एक आपको इसकी स्टोरी बताएंगे एंड एक मंदिर दिखाएंगे और परिक्रमा भी आपको करके दिखाएंगे सब कुछ। तो चलो चलते हैं आगे। तो गाइस, हम आगे आ चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे जोड़ा घर है। तो आपको मेरे सामने माता लाल देवी मंदिर, तो आगे आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या है। तो ये देख सकते हैं मेरे पीछे माता लाल देवी जी का मंदिर है। तो पीछे ये थोड़ी मिठाई वगैरह की शॉप्स है और प्रसाद वगैरह भी मिलता है यहाँ पर। तो आप अगर अमृतसर आएँ तो ज़रूर यहाँ पर घूम के जाएँ। तो मैं ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं माता लालदेव मंदिर है। तो अगर आप, ये भी प्राचीन मंदिर है वैसे, तो अगर आप ज़रूर आएँ अमृतसर में तो यहाँ आए, रानका के पास में ही है। तो ये पूरा वैसे ही बना है जैसे कि वैष्णो देवी मंदिर है। तो यहाँ पर आप ज़रूर घूम के जाएँ अगर अमृतसर आएँ। मंदिर के अंदर एंटर कर चुके हैं। तो ये मेरे सामने माता जी की मूर्ति है। तो ये सारा मंदिर का बनाया है, कैसे कैसे मंदिर बना। तो आप देख सकते हैं माता लाल देवी जी की फ़ोटो लगी हुई यहाँ पर। तो ये फ्रंट में ये मूर्ति है और ये हनुमान जी की भी साथ में मूर्ति है, ये देख सकते हैं। तो आगे आपको दिखाते हैं क्या क्या है यहाँ पर। तो पहले तो गुफा को रास्ता जाता, तो ये आने का रास्ता है। तो ये श्री राम जी का ये जाने का रास्ता है, ये देख सकते हैं। तो ये आगे माता लाल देवी जी की मूर्ति, तो आपको दिखाते हैं। तो ये साथ में जोत चल रही है, अगर यहाँ से किसी ने घी वगैरह डालना हो तो यहाँ से डाल देते हैं, जिससे कि सीधा अंदर जाता है जोत में। तो आपको दिखाते हैं कि क्या क्या है यहाँ पर। तो भाई, यहाँ पर कहते हैं कि अगर कोई भी अमृतसर में जाकर वगैरह हो तो यहाँ से झंडे लेकर जाते हैं साथ में। पहले तो यहाँ से झंडे लेकर जाते हैं और जब जागरण हो जाए तो यहाँ से झंडे रख के आ जाते हैं। तो आपको दिखाते हैं आगे, पहले क्योंकि गुफा में जाना होता है तो गुफा आपको दिखाते हैं अच्छे तरीके से। तो ये आप देख सकते हैं, मैं गुफा, ये मैंने चढ़ाई शुरू कर दी है। तो ये राम जी हैं। तो आगे दिखाते हैं, ये माता जी की मूर्ति है। तो आगे भी आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या है। तो हमने घूम कर यहाँ ही आना है, तो आगे दिखाते हैं। तो गाइस, वैसे तो नवरात्रों के कारण यहाँ पर काफ़ी रश होता है, तो थोड़ा कोरोना के कारण यहाँ पर लोग कम आ रहे हैं। तो ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये नीचे दिखाई दे रहा है और हम आगे गुफा की ओर जा रहे हैं। तो आपको बैक कैमरे से दिखा देता हूँ एक गुफा। तो ये थोड़ा झुक कर जाना पड़ता है। तो ये देखिए माता जी की मूर्ति। तो आगे हम जो गर्भ जोन गुफा है यहाँ पर एंटर करने वाले, तो ये बहुत झुक कर जाना पड़ता है। चलो, आगे हम आ चुके हैं। तो ये गुफा से हम आए थे, तो आगे भी और काफ़ी गुफा है, तो ये देख सकते हैं। ये भी माता जी की मूर्ति है। तो ये उससे पहले ही शिव जी की मूर्ति है और साथ में शिवलिंग भी है। ये ब्रह्मा जी की मूर्ति आ गई, पिता ब्रह्मा जी जगत। तो आगे आपको लेकर जाते हैं। ये श्री कृष्ण भगवान जी लेटे हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं। तो हम ये आपको सारा अंदर से दिखाते हैं। तो यहाँ से ये कि शेर के मुंह में जाना पड़ता है, तो ये आपको अंदर से दिखाते हैं।
श्री राम जी हिरण को तीर मार रहे थे। ये सब आपको दिखाया गया है। तो ये सीता जी की कुटिया है, तो आपको दिखाते हैं। तो ये सारा यहाँ पर शिवलिंग वगैरह भी है। लव कुश का इन्होंने लव कुश में घोड़ा पकड़ा हुआ था। तो ये लव कुश की बाजू की भी और आगे देख सकते हैं तस्वीर है काली माता जी की। ये कान्हा जी हैं, वो आगे आ चुके हैं। तो आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ से आया। ये मगरमच्छ के मुंह से आया आए तो शेर के मुंह से गए, तो आपको दिखाया। तो ये देख सकते हैं ये शिवलिंग है, यहाँ पर तीन बनाए गए हैं। ये देख सकते हैं ये तिरुपति वाला भी है। तो ये देख सकते हैं माता जी है, और ये माता लाल देवी जी बनाया गया, तो इन्हीं के नाम से ये मंदिर है। तो गाइस ये तो देख सकते हैं महात्मा बुद्ध जी का मंदिर है। तो यहाँ गणेश जी का मंदिर है। तो जैसे आप लोग ट्राई करते हैं तो कई सारे मंदिर आप जाते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी मूर्तियाँ हैं। चढ़ाई करते मूर्तियाँ दिखाई दे जाएंगी, तो काफ़ी मूर्तियाँ आपको दिखाई देते जाएंगे। तो ये वो रास्ता है जहाँ से हम आए थे, ये देख सकते हैं। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा। पहले शूट किया था, आपने वीडियो में जरूर देखा होगा। तो ये देख सकते हैं शिव शंकर जी महाराज, तो मैंने ये वीडियो में पहले आपको दिखाया था। और ये देख सकते हैं ये सारे इनके रूप हैं। तो ये सारे आपको दिखाए जा रहे हैं। तो ये गणेश जी की मूर्ति आ गई यहाँ पर, वैसे बताया नहीं मूर्ति है। देख सकते हैं ऐसे ही आपको चढ़ाई उतराई सब दिखता रहेगा। तो ये देख सकते हैं महाकाली जी हैं। तो आगे और शक्ति के रूप दिखाई दे रहे हैं।
सारे शिवजी जी के रूप दिखाई दिए दिए हैं। तो ये आगे आते ही शिव शंकर जी की मूर्ति आती है। तो यहाँ से इस रास्ते से हम आगे गए थे, जहाँ से पहली आई थी, मैंने आपको दिखाया था वीडियो में। तो आगे आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या है। ये तिरुपति बालाजी है, ये लड्डू गोपाल जी है, ये मीनाक्षी देवी, ये जगन्नाथ जी हैं, तो ये विष्णु देव की आप देख सकते हैं। ये सभी मूर्तियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। तो ऐसा आपको रास्ते में काफ़ी सारी मूर्ति दिखाई दे रही होंगी। तो जैसे आप आएंगे तो आप सब बच्चे को दिखाई दे रहा। तो आगे हम मेन गुफा को एंटर करेंगे। तो वैसे ये सारी गुफा ही दिखाई दे रही थी आपको वीडियो में। तो इस रास्ते से हम आए थे। तो ये चलिया, तो ये देख सकते हैं ये पहली गुफा आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये आगे माता वैष्णो देवी जी की गुफा है, जहाँ पर हम मेन दर्शन करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पानी है, बहुत अलग तरीके से बनाया गया है। तो यहाँ गुफा के एंड में शिवलिंग है। तो आगे पिंडी जी है, माता वैष्णो देवी जी। तो ये पिंडी जी, तो ये माता वैष्णो देवी जी। तो ये यहाँ गुफा के मेन दर्शन है, तो आपको जो वीडियो में दिखाई दे रहे होंगे। तो वैसे ही सारा वैष्णो माता जी भी बनाया गया है। तो सामने आप देख सकते हैं कि वैष्णो माता लाल देवी जी की फोटो है। तो चलो आगे आपको वीडियो जारी रखने दें। तो ये फोटो है मेरी तस्वीर। सारा गुफा का रास्ता है, ये माता जी का मंदिर है, ये वो है पिंडी जी के दर। तो चलो आगे थोड़ा रास्ता आ रहा है। तो ये मंदिर शुरू हो गए हैं। तो मैं गुफा के बाहर आ चुका हूँ। तो मैंने आपको सारे दर्शन करा दिए। तो ये हम पीछे मुंशिल जगह पर आ गए हैं। तो आगे आपको मंदिर दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या है। तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं गणेश जी की मूर्ति। तो आगे चलते हैं। तो ये माता सुंदरा देवी हैं। तो ये पीछे माता लाल देवी जी की मूर्ति है। तो हम मेन मंदिर के अंदर एंटर कर चुके हैं। तो ये सूर्य देवता है और ये सरस्वती माता है और ये राधे कृष्ण जी। और ये राम लक्ष्मण जी हैं। माता जी की मूर्ति है। तो यहाँ मेन मंदिर आ चुका है माता लाल देवी जी का। तो आगे आपको दिखाते हैं ये कृष्ण जी की मूर्ति है। तो यहाँ पर हवन हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा वहाँ पर। तो ये लास्ट नवरात्र है, इसलिए यहाँ पर हवन हो रहा है। तो ये राम जी है, राम जी का दरबार। और यहाँ और आपको दिखाई दे रहा है वहाँ, ये सारी मूर्तियाँ। तो ये शिवलिंग है, तो ये देखते यहाँ से चल रहा है, जो कि ऊपर आ रहा है। तो ये नंदी बैल जी,
तो आगे आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या है। ये मोमा देवी है, संतोषी माता और राम कृष्ण जी, ये नरसिंह जी हैं और ये विष्णु जी हैं। तो चलो मैं आपको एक और जगह लेकर चलता हूँ, दिखाते हैं वहाँ पर क्या क्या। तो ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ माता लाल देवी जी विश्राम करने आते थे, तो ये सोने की गद्दी इनकी। तो अभी तो वैसे माता लाल देवी जी सत्संग के अंदर, तो उनकी बाद में उनकी मूर्ति यहाँ पर विश्राम के लिए लाई जाएगी। तो ये सारी सोने की है। तो यहाँ पर पहले भी जब माता लाल देवी जी जिंदा थे तो यहाँ पर ही जाते थे। तो चलिए दोस्तों, ये हमारे पेट्रोल पंप का सफ़र, तो आगे दिखाते हैं आपको। तो ये माता लाल देवी जी की एक और मूर्ति है, तो ये बांके बिहारी जी की मूर्ति है। तो ये फिर हम वहाँ से बाहर आ रहे हैं, तो आपको भी इनके दर्शन करा देता हूँ। ये माता लाल देवी जी की मूर्ति है, तो ये जोत आप देख सकते हैं। तो ये एंट्रेंस में जो मूर्ति थी वो आपको दिखाई थी मैंने पहले, फिर दिखा रहा हूँ। तो गाइस अगर आपको लोग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो दोस्तों ये था हमारा माटर टाउन का सफ़र, तो ये छोटा सा व्लॉग था। तो इस व्लॉग को लाइक और कमेंट जरूर करना, अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करना अपने आप के दोस्तों के साथ। तो चलो आपको यहाँ पर ही हमें व्लॉग ख़त्म करना पड़ेगा, तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।